हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग बता रही हूं। एक मैं साड़ी बनाई हूं, पार्टी वेयर साड़ी, तो वो अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूं, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। उसमें इस कपड़े का बॉर्डर लगा करके बनाई हूँ और उसी का मैं ब्लाउज भी बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं कपड़े को टू फोल्ड में कर रही हूँ। उस साड़ी का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप जा कर के बना सकते हैं करके देख सकते हैं। तो इस कपड़े को मैं टू फोल्ड में करी हूँ। आप बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं, बहुत ही कम पैसों में आप पार्टी वेयर साड़ी बना करके रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 15 इंच पे निशान लगा रही हूँ, ब्लाउज की लंबाई ले रही हूँ। तो इस तरह से मैं निशान लगा दूँगी। यहाँ पे मैं शोल्डर ले रही हूँ 6.5 इंच पे। तो यहाँ पे चेस्ट साइज में 36 आया है, 36 के 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंच आ रहा है, तो 9 इंच में रखी हूँ। और वेस्ट साइज भी मैं 8 इंच पे रखी हूँ और 1 इंच एक्स्ट्रा रखी हूँ। और यहाँ से मैं निशान लगा दूँगी इस तरह से, और मैं 2 इंच का मार्जिन रखी हूँ। तो इस तरह से मैं निशान लगा करके इसको भी निशान लगा दूँगी। यहाँ पर मैं आर्म होल की गोलाई दे रही हूँ 1/2 इंच पे। यहाँ पे मैं नेक विड्थ ले रही हूँ 2.5 इंच पे, ये बैक गला काट रही हूँ। तो इस तरह से मैं 2.5 इंच पे निशान लगा दूँगी। और यहाँ पे मैं 10 इंच रख रही हूँ नेक लेंथ। पीछे का मैं गला बड़ा बनाऊँगी तो इस तरह से। तो इधर मैं 3 इंच पे निशान लगा रही हूँ। इस तरह से मैं निशान लगा करके बॉक्स बना दूँगी इस तरह से। और यहाँ से थोड़ा सा तिरछा करके इस तरह से मैं निशान लगाऊँगी। तो यहाँ पर 3.5 इंच आ रहा है। तो इस तरह से मैं बैक की कटिंग कर चुकी हूँ। और यहाँ पे मैं फ्रंट की कटिंग के लिए मैं निशान लगा रही हूँ इस तरह से। तो इस तरह से मैं निशान लगा दी हूँ और इसकी कटिंग कर लूँगी। और फ्रंट पार्ट का पार्ट है तो थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा एक्स्ट्रा रहता है, तो यहाँ पे 2 इंच में एक्स्ट्रा रखूँगी। तो इस तरह से मैं रख कर के निशान लगाऊँगी। तो फ्रंट नेक विड्थ में ले रही हूँ 2.5 इंच पे, और नेक लेंथ में 3.5 इंच पे रखी हूँ। इस तरह से मैं गुलाई दे दूंगी। और यहाँ पे मैं 10 इंच का निशान लगा रही हूँ, ये प्रिंसेस कट में बना रही हूँ। और यहाँ पे मैं 4 इंच पे निशान लगा रही हूँ इस तरह से। और यहाँ पे मैं 2.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। इधर मैं 2 इंच पे निशान लगा रही हूँ। इस तरह से मैं गुलाई शेप दे दूँगी, ये मैं प्रिंसेस कट बना रही हूँ। तो इस तरह से मैं गुलाई शेप दे दूँगी। और ये जो बीच का एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको मैं निकाल दूंगी इस तरह से। तो इसकी मैं कटिंग कर लूंगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इस तरह से मैं इसकी कटिंग कर लूंगी। आप बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। इस तरह से मैं 2 इंच इधर एक्स्ट्रा कपड़ा रखी हूँ, ताकि इधर से मैं 2 इंच निकालूँगी तो वो मैनेज आ जाएगा। और इधर मैं 1/2 इंच पे निशान लगा करके इसकी भी कटिंग कर लूँगी इस तरह से। यहाँ पे मैं फ्रंट गले की कटिंग कर रही हूँ, तो यहाँ से मैं नेट लगाऊंगी। तो इसको मैं 5 इंच पे निशान लगा दूंगी इस तरह से। मैं इसकी कटिंग कर लूँगी तो इस तरह से आएगा। और ये जो बचा है तो इसी का नेट को मैं फोल्ड करके इसके रख करके मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। यहाँ पे मैं नेट थोड़ा एक्स्ट्रा काटूँगी, ताकि वो सिलाई में जाएगा, इसलिए मैं एक्स्ट्रा काट रही हूँ। तो इस तरह से मैं लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई के लिए इस तरह से मैं सिलाई लगाऊंगी, उल्टा पलट करके इस तरह से मैं सिलाई लगा दूंगी। दोनों में इसी तरह से मैं सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ, और इसको मैं फोल्ड करूँगी इस तरह से। फोल्ड करके मैं इस पर सिलाई लगाऊँगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ, और इसको मैं नेट के ऊपर रख कर के इस तरह से इस पर भी सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। ये जो सीक्वेंस का कपड़ा है इसको मैं नेट गले पे लगाऊंगी।
ये उल्टा साइड रख करके इस पर सिलाई लगाऊंगी, पलटूंगी तो सीधा आ जाएगा इस तरह से, इस तरह से सीधा आएगा। और इसको भी मैं मोड़ करके सिलाई लगाऊंगी, ये पूरा मैं इसी तरह से सिलाई लगा दूंगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे मैं, मुझे अच्छा नहीं लगा तो इस तरह से एक इंच पे मैं निशान लगा करके इसको भी कटिंग करूँगी। यहाँ पे मैं नेट लगाऊंगी, इसका लुक और भी अच्छा लगेगा, इसलिए मैं यहाँ पे नेट लगाऊंगी। इस तरह से रख करके, नेट रख करके इस पर मैं सिलाई लगाऊंगी, दोनों में इसमें मोड़ करके सिलाई लगा दूंगी और इस पर भी सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब मैं बैक पार्ट के सिलाई करूँगी, तो यहाँ पे मैं टेक टक से दूंगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ दोनों तरफ से, और इसको बीचों बीच से मैं काट दूंगी। और यहाँ पे मैं पट्टी लगाऊंगी, तो इस पर सिलाई लगाऊंगी, इस पर सिलाई लगा करके पलट करके भी सिलाई लगाऊंगी इस तरह से। इस पर भी मैं सिलाई लगा चुकी हूँ दोनों में। इसको मैं फ्रिल लगा करके बनाऊंगी, तो ये मैं 2 इंच पे रखी हूँ, इसको मैं जोड़ दूंगी, जोड़ करके सिलाई लगाऊंगी और हल्का हल्का चुन्नटे डालूंगी। इसी तरह से मैं साड़ी बनाई थी, तो यहाँ पे मैं हल्का हल्का चुन्नटे डाल करके सिलाई लगा चुकी हूँ। और बैक पार्ट में मैं अटैच करूंगी गले पे, तो इस तरह से मैं रख करके सिलाई लगाऊंगी। यहाँ पे रख करके ये पूरा इसी तरह से मैं सिलाई लगा लूँगी, दोनों पार्ट में मैं इसी तरह से सिलाई लगाऊंगी। अब मैं उसमें पट्टी लगाऊंगी, तो ये थोड़ा उरेबी में काटी हूँ, इसका लुक इस तरह से आ रहा है। तो इसको इस तरह से मैं रख करके, उल्टा रख करके इस तरह से मैं सिलाई लगा करके पलट करके इस तरह से पलट दूंगी और इस पर सिलाई लगाऊंगी दोनों में इसी तरह से। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ, यहाँ पे मैं पट्टी लगा चुकी हूँ। तो इस तरह से मैं इस पे डिज़ाइन बनाने के लिए ये कपड़ा ली हूँ, तो इसको मैं इस तरह से रख करके इसकी कटिंग करूँगी। तो यहाँ पे मैं 1 इंच 2 इंच पे ऐसे करके इस तरह से मैं निशान लगा दूँगी। तो यहाँ पे मैं 5 इंच पे रखी हूँ और यहाँ पे 4 इंच पे, इसी तरह से मैं इसको भी कटिंग कर लूँगी। तो दोनों तरफ से ये आएगा, तो ये जॉइंट है इसको भी मैं कटिंग कर लूँगी, इसको इस तरह से रख करके इस पर सिलाई लगाऊँगी। इस तरह से रख करके दोनों में मैं सिलाई लगा दूंगी फोल्ड करके। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ, फोल्ड भी करी हूँ, आप देख सकते हैं इसका लुक बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो इस डोरी के लिए मैं ले रही हूँ, तो यहाँ पे 5 इंच रखी हूँ, इस तरह से मैं पीछे डोरी लगाऊंगी, तो इस पे सिलाई लगाऊंगी, दोनों पे इसी तरह से मैं सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ, इसको पलट लूँगी इस तरह से। अब मैं पेन के मदद से पलट रही हूँ, किसी भी चीज़ से आप पलट सकते हैं। तो इस तरह से मैं दोनों इसी तरह से सिलाई लगा करके पलटी हूँ। तो यहाँ पे मैं हल्का चुन्नटे डाल करके इसको ज्वाइंट करूँगी, इस तरह से उल्टा रख करके इस पर सिलाई लगाऊंगी। इस पर सिलाई लगा दूंगी और इस इधर भी मैं इसी तरह से इस पर भी सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा लग रहा है, इसका लुक बहुत ही अच्छा आया है।
आप चाहे तो बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ पे मैं बाजू की कटिंग करूँगी। तो इस तरह से मैं कपड़े को टू फोल्ड में करी हूँ। यहाँ पे मैं बाजू की लंबाई रख रही हूँ 5.5 इंच पे, और यहाँ पे मैं गोलाई ले रही हूँ 5.5 इंच पे, 2 इंच एक्स्ट्रा मैं ले रही हूँ। इस तरह से मैं 2.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ, और इधर भी मैं इस तरह से पूरा निशान लगा दूँगी। इस तरह इधर भी मैं 2.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। इसको इस तरह से करके मिला दूँगी, और 1.5 इंच में मार्जिन रख रही हूँ। इसके मैं बाजू का शेप दे दूँगी इस तरह से, इसकी कटिंग कर लूँगी। तो इसी तरह से मैं दोनों बाजू की कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं दोनों बाजू की कटिंग कर ली हूँ, और इसमें मैं नेट लगाऊँगी, नेट का कपड़ा लगाऊँगी फुल बाजू के लिए। तो यहाँ पे ज्वाइंट आया है, कपड़ा ज़्यादा नहीं था इसलिए वहाँ पे ज्वाइंट आया है। तो इसको कपड़े को मैं 4 फोल्ड में करी हूँ, दोनों बाजू एक ही साथ में निकालूँगी। तो इस तरह से मैं निशान लगा रही हूँ। यहाँ पे मैं बाजू की लंबाई ले रही हूँ 16 इंच पे। तो इस तरह से मैं निशान लगा दूँगी, और यहाँ मैं ले रही हूँ 5.5 इंच पे, 1.5 इंच में मार्जिन रख रही हूँ। इस तरह से मैं बाजू का शेप दे दूँगी। यहाँ मैं 3 इंच पे निशान लगा रही हूँ इस तरह से, और इधर भी मैं 2.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। इस तरह से मैं बाजू का शेप दे दूँगी। तो इस तरह से मैं इसकी कटिंग कर चुकी हूँ, दोनों बाजू की कटिंग कर चुकी हूँ, और इस पर मैं सीक्वेंस का कपड़ा लगा करके डिज़ाइन बनाऊँगी। तो इस तरह से मैं निशान लगाऊँगी। थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, निशान नहीं दिख रहा था, तो इसलिए मैं ये कपड़े को मैं बिछा करके इसके ऊपर से मैं निशान लगाऊँगी। तो इस तरह से दिख रहा है सही से। तो यहाँ पर मैं 2.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ इस तरह से, मैं 2.5 इंच पे निशान लगा दूँगी। आप चाहे तो स्केल की मदद से लगा सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे मैं पूरा निशान लगा दी हूँ, इसी पे मैं सीक्वेंस का कपड़ा लगा करके बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं ये पतला पतला मैं काट ली हूँ इस तरह से। इसको दोनों तरफ से मैं फोल्ड करके इसके ऊपर से मैं लगाऊंगी इस तरह से, सिलाई लगाऊंगी दोनों सब में इसी तरह से। तो यहाँ पे मैं लगा चुकी हूँ। अब आप देख सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। दोनों मैं तैयार कर चुकी हूँ, और यहाँ पे मैं इस कपड़े को लगाऊंगी इस तरह से, पलट करके भी सिलाई लगा दूंगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ, ये मैं बाजू बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा दी हूँ इस तरह से, मैं दोनों में अटैच करूँगी और सिलाई लगाऊँगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ, दोनों बाजू अटैच कर चुकी हूँ। यहाँ पे मैं कंधे के जॉइंट करूँगी, तो दोनों कंधे में पे मैं सिलाई लगाऊँगी इस तरह से। तो यहाँ पर मैं दोनों कंधे का जॉइंट कर चुकी हूँ इस तरह से, सेंटर पे रख करके मैं सिलाई लगाऊंगी। दोनों बाजू इसी तरह से मैं अटैच करूंगी। तो यहाँ पे फ्रंट साइड है, तो फ्रंट साइड में मैं फ़ोल्ड करके सिलाई लगाई हूँ, और इधर भी मैं फ़ोल्ड करके सिलाई लगा चुकी हूँ। दोनों में इसी तरह से सिलाई लगाई हूँ। बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं। और ये मैं यहाँ पर बाजू भी अटैच कर चुकी हूँ, दोनों में इसी तरह से सिलाई लगा चुकी हूँ। इसको इस तरह से मिलाते हुए अपने फिटिंग के हिसाब से आप सिलाई लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप निशान लगा करके सिलाई लगा सकते हैं फिटिंग के हिसाब से। तो इस तरह से मैं इस पे सिलाई लगा दूंगी,
यहाँ पे मैं निशान लगाई हूँ। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ, फिटिंग कर चुकी हूँ। इस पे नीचे लेस लगाऊंगी, लटकन वाला लेस लगा दूंगी नीचे। यहाँ पे मैं लेस लगा करके रेडी कर चुकी हूँ। ये मेरा फाइनल लुक है, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा लग रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।